कैसे हैं स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.2 का प्रश्न नंबर एक। प्रश्नावली 15.1 में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक भी कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, तो आप इन सभी वीडियोज़ को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर एक हमें दिया है 15.2 का, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज यानी ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन के हमें पार्ट ए, बी और सी तीन दिए हैं पार्ट ये, ठीक है। पार्ट ए में हमें चार बिंदु दिए हैं, ए बी सी और डी। इसी प्रकार से बी में दिए हैं पी क्यू आर एस और सी में भी चार बिंदु दिए हैं के एल एम एन। इन सभी बिंदुओं को अलग अलग ग्राफ शीट पर हमें अंकित करना है और फिर ये बताना है कि क्या ये एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो थोड़ा सा तो आप यही समझ लें कि जैसे कि हमें यहाँ पर बिंदु ए दिया है और इसके निर्देशांक दिए हैं 4.0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला निर्देशांक दिया है, पहली संख्या जो दे रखी है, ये हमें दे रखी है एक्स अक्ष की, किसकी, एक्स अक्ष की, ठीक है। और ये दूसरा जो दे रखा है, ये हमें दे रखा है वाई अक्ष का, ठीक है। तो इस प्रकार से बी में भी हमें पहला एक्स अक्ष का दिया और दूसरा वाई अक्ष का, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसी प्रकार से इन सब में दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि जब भी हमें किसी बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो उसमें पहला होता है एक्स अक्ष का और दूसरा होता है वाई अक्ष का, ठीक है। तो चलिए अब इनको हम ग्राफ शीट पर अंकित करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ शीट ले ली है, अब इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक्स अक्ष, कहीं पर भी खींच सकते हो आप, ठीक है। क्षैतिज रेखा, ऐसी ऐसी रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये खींच लिया एक्स अक्ष, क्या खींच लिया, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और अब खींच लेते हैं वाई अक्ष, इस टाइप की ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वो कहलाती है वाई अक्ष। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं वाई अक्ष, तो ये हमने खींच लिया वाई अक्ष, क्या खींच लिया, वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो होते हैं 0.0। इसका मतलब क्या है कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हो तो ना तो आप एक्स अक्ष पर ही गए हो, क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक क्या, 0, यहाँ से आगे आप बढ़े ही नहीं हो। और इसी प्रकार वाई का निर्देशांक भी 0, ना ही आप ऊपर की ओर गए हो, तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो गए, 0.0। अब इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे, पहले बिंदु को दर्शाएंगे जो कि हमें दे रखा ए और जिसके निर्देशांक हैं 4.0। तो 4.0 का मतलब क्या है, 4.0 इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर 4 बॉक्स जाना है। एक बॉक्स हमारा ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर हो जाते हैं 4 बॉक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक देखना होता है कितना दिया, यहाँ दिया 0। तो इसका मतलब है अब यहाँ से हमें ऊपर की ओर, ये वाई है हमारा ऊपर, तो यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है, कितना जाना है, 0। 0 का मतलब अब हमें एक भी कदम नहीं चलना है। अगर हमें मान लो यहाँ पर निर्देशांक दिया होता 1, तो हम क्या करते, एक बॉक्स ऊपर चले जाते, लेकिन यहाँ क्या दिया, 0, तो हम यहीं रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति यहाँ से 4 कदम तो एक्स अक्ष पर चला लेकिन ऊपर की ओर वाई अक्ष पर एक भी कदम नहीं चला है, इसीलिए वाई का निर्देशांक 0 है। तो यहाँ पर है हमारा बिंदु ए, बिंदु ए, और इसके निर्देशांक इसी के सामने लिख लेते हैं 4.0, ठीक है। हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया ए, अब हमें लेना है दूसरा बिंदु बी, और इस बी के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4.2, क्या दिए हैं, 4.2। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले एक्स अक्ष पर 4 बॉक्स, 4 कदम या 4 इकाई आगे जाना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स, यहाँ आ गए हम।
अब क्या करना हमें ऊपर की ओर, यानी दो कदम ऊपर की ओर जाना, क्योंकि दो क्या है बाई का, और बाई कहाँ जाता है ऊपर की ओर, तो यहाँ से हमें ऊपर दो कदम जाना है। एक बॉक्स और दो बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु है वो है बी, और इसके निर्देशांक क्या हैं 4.2। ठीक है, अब हमें लेना है बिंदु सी, क्या लेना है बिंदु सी, और सी के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं 4.6। अब फिर यहीं से हमें स्टार्ट करना है, पहले हमें चलना है 4 कदम यानी 4 बॉक्स, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद हमें चलना है 6 बॉक्स ऊपर की ओर यानी बाई पर, तो यहाँ से हम 6 ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बिंदु सी जिसके निर्देशांक है 4.6। ठीक है, अब हमें अगला निर्देशांक दिया है डी, जिसके निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, अगला बिंदु डी है जिसके निर्देशांक है 4.25। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हमें 4 बॉक्स चलना है एक्स अक्ष पर, और उसके बाद 2.5 बॉक्स चलना है वाई अक्ष पर, तो यहाँ पहले हम जाएंगे 4 बॉक्स एक्स अक्ष पर, 1, 2, 3, 4 यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से हमें वाई अक्ष पर यानी ऊपर की ओर जाना है 2.5, तो 1, 2। ठीक है, अब यहाँ 2 पहुँच गया, अब हमें लेना है 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या है, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये छोटे छोटे 10 बॉक्सों में डिवाइड है, तो इनमें से हम 5 बॉक्स और ले लेते हैं, तो यहाँ पर है हमारा 5 बॉक्स, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा, और ये बिंदु क्या है हमारा डी, क्या है डी, और इसके निर्देशांक क्या है 4.25। ये हमने चारों बिंदु ग्राफ शीट पर अंकित कर लिए, अब हमें ये बताना है क्या ये चारों बिंदु एक सरल रेखा पर हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या ये चारों बिंदु एक ही रेखा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप देखिए मिलाने पर ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों बिंदु ए बी सी डी कैसे हैं, एक ही सरल रेखा पर अंकित हैं, ये आप लिख देंगे आंसर हो जाएगा, ये ग्राफ बना देंगे और क्या लिख देंगे कि हाँ बिंदु ए बी सी और डी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की, ये तो हो गया हमारा पार्ट ए। अब पार्ट बी के लिए भी हमें क्या करना है, फिर से एक्स और वाई अक्ष खींच लेना है, तो चलिए यहाँ पर हम एक्स और वाई अक्ष खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पार्ट बी के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया है, ये मूल बिंदु है, यहाँ के निर्देशांक है हमारे 0.0। ठीक है, अब पहला बिंदु हमें क्या दिया है पी, क्या दिया है पी, और पी के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं 1.1, तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें एक्स अक्ष पर एक बॉक्स जाना है, फिर वाई अक्ष पर एक बॉक्स जाना है, तो यहाँ से हम चलेंगे, एक बॉक्स हमारा एक्स अक्ष का हो गया और एक बॉक्स हम ऊपर जाएंगे वाई के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु पी और इसके निर्देशांक हैं 1.1। ठीक है, फिर अगला बिंदु हमें दिया है क्यू और इसके निर्देशांक है 2.2, तो हमें क्या करना है, पहले 2 बॉक्स एक्स पर चलना है, 1, 2 यहाँ चल गए, और फिर 2 बॉक्स ऊपर वाई पर चलना है, 1, 2 यहाँ पर हमारा ये बिंदु आ गया। ठीक है, और ये बिंदु है हमारा Q और इसके निर्देशांक हैं 2.2। तीसरा बिंदु हमें दिया है R, इसके निर्देशांक क्या हैं 3.3, तो इसका मतलब क्या है, पहले 3x पर चलेंगे, 1, 2, 3 फिर 3y पर चलेंगे ऊपर की ओर, 1, 2, 3 तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा अपना बिंदु PQR। ठीक है, और इसके निर्देशांक 3.3। अब लास्ट यानी चौथा बिंदु हमें दिया है S और इसके निर्देशांक क्या हैं, इसके हैं 4.4। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 बॉक्स इधर चलेंगे x पर, 1, 2, 3, 4 और फिर 4 ऊपर चलेंगे हम y पर, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा S और इसके निर्देशांक है 4.4। इनसे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया था वो मैंने यहाँ उतार के दिखाया है। ये हमारे चारों बिंदु हो गए P, Q, R, S। अब हमें ये देखना है क्या ये एक सरल रेखा पर हैं, तो हम क्या करेंगे इनको मिला लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, है नहीं है,
इसी रेखा पर चारों हैं, तो आप लिख देंगे हाँ ये चारों बिंदु पी क्यू आर एस एक सरल रेखा पर स्थित हैं, ये हो जाएगा ग्राफ। और आंसर में आपको ये लिख देना है कि हाँ ये चारों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं। चलिए अब पाठ कर लेते हैं सी। पाठ सी के लिए भी हमने ये एक्स और वाई एक्स खींच लिए हैं पाठ सी के लिए, ठीक है। ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब हमें पार्ट सी में पहला बिंदु दिया है के, जिसके निर्देशांक हैं 2,3। तो इसका मतलब है एक्स अक्ष पर हमें दो बॉक्स चलना और फिर वाई पर तीन। तो हम पहले एक्स पर चलेंगे, 1, 2 यहाँ गए। अब यहाँ से ऊपर की ओर तीन चलना है, 1, 2, 3। तो हमें यहाँ पर अपना बिंदु के मिल जाएगा और इसके निर्देशांक हैं 2,3, ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया हमें एल, एल के निर्देशांक हमें दिए हैं 5,3। क्या दिए हैं? 5,3। तो इसका मतलब पहले x पर 5 चलना है फिर y पर 3। तो यहाँ से हम x पर चलेंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ गए। अब ऊपर की ओर 3 चलना है, 1, 2, 3 यहाँ पर हमारा बिंदु आ गया L और इसके निर्देशांक है 5,3, ठीक है। अगला बिंदु हमें दिया है M, M के निर्देशांक हैं 5,5। तो हमें क्या करना है, 5x पर चलना और 5 ही y पर चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 फिर ऊपर चलना 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हमें अपना बिंदु M मिल जाता है, M और इसके निर्देशांक है 5,5। और चौथा बिंदु N दिया है जिसके निर्देशांक हैं 2,5। तो इसका मतलब क्या, पहले x पर 2 चलना है फिर ऊपर 5 चलना है। तो 1, 2, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया हमारा बिंदु N और इसके निर्देशांक हैं 2,5, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे चारों बिंदु हो गए K, L, M, N। तो क्या ये चारों एक सरल रेखा पर हैं? तो आप मिलाकर भी देख सकते हैं ये चारों एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए इन दोनों को मिला देंगे तो ये रह जाएंगे दोनों। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो अगले वाले रह जाते हैं। इन दोनों को मिलाते हैं तो फिर भी शेष बच जाते हैं। इनको मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं इनको मिलाने पर हमें एक चतुर्भुज की आकृति मिलती, ना कि एक सरल रेखा की। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिंदु के एल एम एन एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। ये हो जाते हैं आपके ग्राफ और आंसर्स, ठीक है। मतलब हमने पार्ट ए में चारों बिंदु को दर्शा दिया, पार्ट बी में भी चारों बिंदु को दर्शा दिया और पार्ट सी में भी चारों बिंदुओं को दर्शा दिया है। ये दोनों ही ग्राफ्स में चारों बिंदु एक 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 सरल रेखा पर स्थित हैं, जबकि ये वाला ग्राफ जो है इसमें चारों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।